अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत में अब तक कोरोना से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? ए 80 लाख के पार, बी 90 लाख के पार, सी 1 करोड़ के पार या डी 2 करोड़ के पार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर के स्टेशन परिसर में रेल मंत्री व पीएम मोदी के खिलाफ दिया गया धरना। भागलपुर के स्टेशन परिसर में नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रेल मंत्री व पीएम मोदी के खिलाफ धरना दिया गया। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर नागरिक संघर्ष मोर्चा के लोग धरने पर बैठे हुए थे। धरना दे रहे लोगों की मांग है कि भागलपुर के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत DRM ऑफिस की स्थापना की जाए, स्पेशल ट्रेन के भाड़े के नाम पर नागरिकों से अवैध वसूली बंद की जाए, रेल की नियमित सेवा अविलंब चालू हो, रेलवे का निजीकरण बंद हो, साथ ही रेलवे के खाली पदों को भरा जाए। नागरिक संघर्ष मोर्चा के द्वारा धरना दिया जा रहा है। धरना का उद्देश्य ये है कि स्पेशल ट्रेन के नाम पर जनता से पैसा उगाही की जा रही है। बात यह है कि भागलपुर में DRM ऑफिस होना था, लालू जी के समय ये तय हुआ था, स्वीकृत हुआ था, वह DRM ऑफिस आज तक नहीं है। रेलवे का निजीकरण चल रहा है, निजीकरण किसके नाम पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा चुनावी सभा में कि रेलवे का निजीकरण करेंगे, यहाँ तक कि विरोध किया कि निजीकरण नहीं होगा, यह अफवाह है और रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है और हम सारे लोग उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। आप देखिएगा कि वैकेंसी जितनी है रेलवे में, वह वैकेंसी जो है रोकी हुई है, समय पर निकलती नहीं है, परीक्षा समय पर नहीं होता है, करोड़ों बच्चे उसके इंतजार में रहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 करोड़ को रोजगार देंगे और सच्चाई यह है कि रोजगार छीना जा रहा है, कोरोना काल में भी छीना गया, उसके पहले भी छीना गया और उसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। किसानों के साथ क्या हो रहा है, 38 किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री का हृदय नहीं कांपता है, पसीता नहीं है, उनसे बातचीत नहीं है और अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो हम सारे लोग इन सारी चीजें जो देश में चल रही है गलत, उसके खिलाफ धरना पर हैं और बैठ करके जनता को, अधिकारी को, नेता को हम बता रहे हैं कि आप सच बोलिए, कम से कम बोलिए। ऐसी सरकार नहीं है जो जनता के लिए कल्याण कर रही है, जनता को लूट रही है, जनता को बर्बाद कर रही है, किसानी को बर्बाद कर रही है, रेलवे को बर्बाद कर रही है और इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। डॉक्टर योगेंद्र मेरा नाम है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष है और मोर्चा के संयोजक। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। आपसी विवाद में भागलपुर के घोघा में नवविवाहिता ने दे दी जान, परिजनों ने ससुराल वाले पर लगाया हत्या का आरोप। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के पक्की सराय स्थित गणेश तांती के घर में उनकी नवविवाहिता बहू 20 वर्षीय सीमा कुमारी का शव लटका हुआ मिला। घटना शुक्रवार के सुबह की ही है। वहीं लड़की के ससुराल व मायके पक्ष के लोग सब का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे। लड़की के परिजनों ने बताया कि दहेज के लिए सीमा को प्रताड़ित किया जाता था। सीमा के ससुराल वाले बाइक की मांग कर रहे थे, रुपए नहीं होने पर लड़की के पिता बाइक नहीं दे पा रहे थे। कर्मा ये कर गए कि से ये ले
की कहे छे सीमा फोन रात में कल के की से हमरा समाय के लड़ाई झगड़ा भेल छे हमरा प्लेटफार्म पर दायल छे हमरा घर से निकाल के हिस्टिर के हां हमरा घर में नहीं रहे नहीं दसे रहे ला कर माय कहल के गे बेटी जो घर रात भाग ले बहुत सूत पटाय रह काल जे छे ना जे हेते से अपन कढ़िया सबके कही कल हमरा के अइबो ताम राते में उ फसरी लगा के मर गेले अपना से मारे कि घर के लोग मारे आपको क्या लगता है मारा या मर गई है? हाँ हमका लगता है कि इस लोग मार दिया दहेज के भी डिमांड हो बार बार की हाँ मोटरसाइकिल मांगे रहे कि हमरा गाड़ी नहीं दे छे या तो हमरा लोग दुख दे छे ससुराल के मारा इसको उसका भैंसुर का क्या नाम है की नाम छे ठीक है आपका क्या नाम हुआ आप कौन है उसके लड़की का क्या नाम था पति का नाम साधन कुमार एक भैंसुर दारू आर पी का भरे न गंजा भंग की नाम ले भैंसुर के नाम हम नहीं जाने छे तो बिछना पर जाकर सुत रहे तो हमारे बेटी कहे गोतनी जाकर कि दीदी हमारा बिछना पर क्या सुत है भाजी भाजी कहे हमारा बिछना पर नहीं सुत ले लोग अगर देखते तो की कहते हमरा अब जस जोड़ते न से गप करे करे तोरा बिछना पर सुते छो तो तुम मार कल के हमें कहने मारबे यहाँ घर वाला छी हम मारू से गप कहल के है गाड़ी जैसे ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर हमारे जमाए खरीदने छे किस्त पर लैके वही ट्रैक्टर के चलते हमारा बेटी के रोज गरा गरी रन भन करे वह गुस्सा उठे हमारा बेटी के कहे कि ट्रैक्टर छी हम चलेबो के कहने कल के मारी देबो पेट्रोल छिटी के आघिन लगा देबो ट्रैक्टर हमरो छिटी आपके बेटी के साथ क्या हुआ फांसी लगा का मार दल के बेटी फांसी लगाई या मार दिया ससुराल वाला हाँ कौन मारा कोई ओकरा घरे के लोग ना मारना है ता जे रोजे तलाक दे रहे वह मार लग ओकर भैंसुरे मारना है शादी तो आप भैंसुर से नहीं है कहते ना कहते लड़का नहीं से लड़का बाहर में छे अच्छा इनके हस्बैंड बाहर पति के नाम बताइए पति के कहने साजन पूरा नाम पूरा क्या साल पहले शादी हुआ था साजन शर्मा 9 महीना भेल छे कहां शादी किए छे की कहे रजनी में पक्की सारा हमर घर रजनी छे शादी करने छे पक्की सारा लड़का का नाम साजन साजन तो साजन तो जीजा जी गाड़ी कचा हुआ था वही बार बार ये लोग टॉर्चर करता था बस यही मामला है दहेज के लिए टॉर्चर करता दहेज के लिए टॉर्चर करता था वो लोग सब कहाँ पे हुई थी शादी शादी ये होगा पक्की सराय में इनका घर कहाँ हुआ इनका घर हुआ रजनी मुरलीगंज प्रखंड मुरलीगंज तो कब हुई थी शादी इसका लगभग 9 महीने हो गया किस लड़का का नाम क्या है लड़का का नाम साजन तंते साजन तंते लड़की का नाम सीमा कुमारी क्या करता है लड़का लड़का इससे सर मजदूरी करते है बाहर में बाहर आपका क्या नाम है मेरा नाम राजा कुमार कौन है हम उसका मामा जी तो क्या फंदे से शक लगता है हाँ सर फंदा से लटकाएगा वह क्या किस पे शक लग रहा शक तो सर हमको उसका वो लड़का का बड़ा भाई है ना उस पे शक हो रहा है सर क्या नाम है उसका बड़ा भाई का नाम है मदन नाम है ये और प्रकाश नाम है एक का उस पे शक क्यों प्रताड़ित करता नहीं सर वो लोग मतलब दारू फाड़ के आते थे ऐसे मारपीट ऐसे कुछ से कुछ गाली गलौज करते थे इसलिए सर हमको उसमें शक हो रहा है आपसी विवाद में भागलपुर के घोघा में नवविवाहिता ने दे दी जान परिजनों ने ससुराल वाले पर लगाया हत्या का आरोप भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के पक्की सराय स्थित गणेश तांती के घर में उनकी नवविवाहिता बहू 20 वर्षीय सीमा कुमारी का शव लटका हुआ मिला घटना शुक्रवार के सुबह की ही है वहीं लड़की के ससुराल व मायके पक्ष के लोग शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे लड़की के परिजनों ने बताया कि दहेज के लिए सीमा को प्रताड़ित किया जाता था सीमा के ससुराल वाले बाइक की मांग कर रहे थे रुपए नहीं होने पर लड़की के पिता बाइक नहीं दे पा रहे थे जमीने के बारे में मामला था जमीने का मैंने दीवाल वाल दे रहा ना जो गोली चलाया ना सर तो दीवाल दे रहा था तो वह दीवाल दे रहा तो ये लोग रोकने गया ना तो ये मैंने बैंग और गोली रन स्टार्ट हो गया ना लगा जावे सर बसीम हुआ रिजाइल हुआ इधर सब तीनों चारों भाई ये जावे सर वहीं पर उसका घर हुआ जबीर का लड़का और टीचर है इसका स्कूल का बीएनसी स्कूल जो है ना सर उसी का टीचर है सरकारी स्कूल का
उसी के यहाँ पर घर भी है सामने में सर। जमीन देखिए किसी का जमीन था वो माने हल्ला चिल्ला हुआ उठा दर पर आके केस की अम्मी मंजन नहीं हम पहले नहीं उठा मंजन खत्म हो गया पैसा लीज मेरा बेटा इसके दुकान गया था वो अपने घर से गोली मारा मेरे बेटा उस रात में जमा पप्पू सर लोग ना बाहर ही आदमी को लाकर जावेद 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 सर बोलते हैं हम लोग गांव में और जावेद सर जावेद है नसीम है लोयल्ला है और बाहरी सब पांच मोटर सवेरे आया था हम कहा जा रहा फूलों का बेटा था लोग समझा मेरे को काम मत जावेद कौन जावेद महले का है सर भी है जगह जमीन के बारे में हुआ सर हाँ टीचर है हाँ बहुत बहुत तरह के करीब करना था उसका बाप भी यही गद्दारी था बेटा भी यही गद्दारी उसके बेटे बाप का नाम तो था यार कागज तो जबीर मेरे बेटा का नाम मोहम्मद बिट्टू है पापा का नाम मोहम्मद माजिद हम लोग से कोई मतलब नहीं है हम लोग को छोटा सा कुटली छोटा सा अपने हम लोग से कोई मतलब नहीं है हम लोग कोई नहीं है रिश्तेदार सर दुकान बोले मेरा गोली चल रहा था तो उस लग चल रहा था इस दुकान में इसके इसके घर लग जिससे विवाद हो रहा था इसके घर लग के बगल में घर है उसका इसके दुकान आया सौदा लेने के लिए मेरा नाम बीवी रसीदा लड़के का नाम 20 है अभी छोटे बच्चा ये है तो मेरे को बच्चे मांगने चाहिए। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। सांसद व विधायक ने ग्वारी डी में प्राचीन अवशेष स्थल का किया मुआयना बोले आज 11 बजे पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहपुर प्रखंड के जयरामपुर के ग्वारी डी बैयार में प्राचीन चंपा सभ्यता से जुड़े मिल रहे सामग्री व अवशेषों का अवलोकन करने सीएम नीतीश कुमार रविवार को पहुंचेंगे। सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी का मुआयना करने शनिवार को सांसद अजय मंडल व बिहपुर विधायक इंजीनियर सैलन ग्वारी डी पहुंचे। यहां सांसद व विधायक ने पहले उस प्राचीन अवशेष स्थल का मुआयना किया जहां से प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं। इसके बाद सांसद व विधायक ने मौजूद अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। वहीं मौके पर विधायक श्री सैलन ने बताया कि सीएम रविवार को दिन के 11 बजे यहां पहुंचेंगे। वहीं इस मौके पर प्रभुनंदन चौधरी इंजीनियर सोनू मिश्रा बबलू मोदी सहित कई अन्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चाक चौबन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 30 जगहों पर पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की तैनाती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर नवगछिया पुलिस प्रशासन ने अपनी सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली है। मालूम हो कि 12:40 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ग्वारी डी में कामा माता के स्थान के ठीक सामने बनाए गए हेलीपैड पर उतरेगा। दिन के 1:30 बजे वे पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने चाक चौबन सुरक्षा व्यवस्था की है। कोरोना काल को देखते हुए कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। पुलिस पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर नशे की हालत में ना जाए। बैरिकेडिंग की व्यवस्था हेलीपैड की सुरक्षा कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग अलग पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर 31 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोशी नदी में भी नाव पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। मालूम हो कि देर रात तक नौगछिया के SDO अखिलेश कुमार और नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार कैंप कर रहे थे। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान काजू फ्रूट काजू कतली मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स प्रोफेसर कॉलोनी नौगछिया संपर्क करें 9060127642 9308708313।
नवगछिया आरपीएफ कमांडेंट ने आरपीएफ थाने का किया निरीक्षण। सोनपुर मंडल के आरपीएफ कमांडेंट एच श्रीनिवास राव ने शनिवार को नवगछिया एवं थाना बिहपुर स्टेशन पर स्थित आरपीएफ थाने का निरीक्षण किया। सुबह राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से नवगछिया पहुंचे, जहां से वे पहले सड़क मार्ग से बरौनी स्टेशन चले गए। बरौनी से लौटने के बाद नवगछिया आरपीएफ थाने का निरीक्षण किया। इसके बाद बिहपुर आरपीएफ थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नवगछिया आरपीएफ थाने में इंस्पेक्टर पीएस दुबे सहित आरपीएफ पदाधिकारी व फोर्स मौजूद थे। जानकी विवाह पंचमी के मौके पर अलग अलग स्थानों पर अखंड रामधुन आयोजित। जगत जननी मां जानकी के विवाह पंचमी के मौके पर प्रखंड के अलग अलग स्थानों पर अखंड रामधुन का आयोजन श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। वहीं गोपालपुर प्रखंड के मंदिर टोला डिमहा में 72 घंटे का अखंड रामधुन का आयोजन पैक्स अध्यक्ष अजय चौधरी के संयोजन में किया गया। तो वहीं सैदपुर बजरंगबली स्थान में 9 दिनों तक अखंड सीताराम धुन का आयोजन डंडी बाबा के सौजन्य से किया गया है। तिंटेगा मुकेश हत्याकांड घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा किया बरामद, आरोपित फरार। नवगछिया के तिंटेगा करारी गांव के बालू टोला निवासी मृतक किसान मुकेश मंडल की हत्या में जांच के दौरान पुलिस को 12 सीट दियारा स्थित घटनास्थल से 2 खोखा मिला है। बताते चलें कि 12 सीट दियारा में छेड़खानी का विरोध करने के कारण तिंटेगा करारी गांव के बदमाशों ने किसान मुकेश मंडल की हत्या पटवन के दौरान गुरुवार की शाम को गोली मारकर कर दिया था। मृतक किसान मुकेश मंडल की मां व गोपालपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, परंतु अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गोपालपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया अखिल भारतीय नाई संघ की बैठक में कार्य समिति का हुआ विस्तार। अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन अनुमंडल शाखा नवगछिया की आम बैठक शनिवार को बिहारी अतिथि सदन नवगछिया में उमा शंकर ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित नाई संघ के सदस्यों ने भोजपुरी गायक के शेक्सपियर रहे पद्मश्री भिखारी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके विचारों को याद किया। उसके बाद नाई संघ नवगछिया के कार्य समिति का विस्तार कर विभिन्न पदों पर मनोनयन किया गया। नवगछिया में राजधानी फैशन में विंटर कलेक्शन काफी सस्ते और किफायती मूल्य पर है उपलब्ध। नवगछिया में दिल्ली मुंबई कोलकाता के रेडीमेड वस्त्रों का संकलन के साथ स्टेशन रोड के राजधानी फैशन में विंटर कलेक्शन काफी सस्ते और किफायती मूल्यों पर स्वेटर, लेडीज एवं जेंट्स जैकेट, मफलर, टोपी, कार्डिगन, इनर सहित सभी तरह के ठंडे मौसम में पहनने वाले वस्त्र उपलब्ध हैं। मौके पर दुकान के संचालक लोक गायक मिथुन महुआ मधेसिया एवं विजय आनंद ने बताया कि हमारे यहां बचपन से लेकर 55 तक उम्र के लिए सभी प्रकार के कपड़े लेडीज एवं जेंट्स का उपलब्ध है। ठंड मौसम में विंटर कलेक्शन को तैयार किया गया है, जिसमें काफी सस्ते और किफायती मूल्यों पर कपड़े उपलब्ध हैं। रंगरा जमीन विवाद में पड़ोसियों ने की महिला की पिटाई, प्राथमिकी दर्ज। रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा निवासी बिरजू कुमार और बादल कुमार की पत्नी गुड़िया कुमारी ने रंगरा थाने में अपने पड़ोसियों रोशन मालाकार, रितु देवी, स्वीटी मालाकार, सिंटू कुमारी के विरुद्ध मारपीट और छिनतई करने का आरोप लगाते हुए रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पूछे जाने पर मिली जानकारी के अनुसार रंगरा पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। कैसे कैसे मार हुआ? सुबह में झाड़ू लगा रहे थे, पिलर गिरा हुआ था। हम बोले कि बाबू सब छोटा है, पिलर सीधा कर दीजिए। वो बोला कि पिलर सब सीधा करेगी, मादर चौधरी का बच्चा है। इसी में हम बोले यहाँ आकर के गाड़ी दीजिए। कौन बोल रहा था? रोशन मला का। वो आकर के यहाँ मारने लगा। और उसके साथ कौन कौन था? सिटी मलाकार और सिंकू कुमारी, रितु देवी, सब मिल करके मारा आपको? हाँ। आपका पति द्वार पे था। क्या कर रहा था वहाँ पर? बैठा था। फिर वो आया कि नहीं? आया, वो आया तो उसको भी मारने लगा। आपका नाम क्या है? गुड़िया कुमार। आपके साथ क्या क्या हुआ? और कुछ सामान भी आपका लिया गया? हाँ, गला का चेन लिया है, कान का वाली लिया है। चार आदमी मिलकर के आपको मारा? घर कहाँ है आपका? पति का नाम क्या है? ठीक। नवगछिया बस और ट्रैक्टर की टक्कर, बार बार बचे बस पर सवार यात्री। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग कटरिया ओवरब्रिज के समीप 2 विपरीत दिशा से आ रहे एक बस और एक ट्रैक्टर में भीषण टक्कर के बाद सभी यात्री और चालक दल के सदस्य बाल बाल बच गए। घटना के तुरंत बाद मौके से
बस और ट्रैक्टर के चालक और सहचालक भाग गए हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना रंगरा ओपी थाने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक छानबीन करते हुए बस पर सवार सभी यात्रियों को उसके गंतव्य स्थान तक प्रस्थान करने की व्यवस्था की। जानकारी मिली है कि बस पूर्णिया के तरफ जा रही थी। रंगरा ओपी पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371187 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313।